सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। करंट अफेयर्स का पिटारा लेकर मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। तो देखते हैं हमारे पिटारे में आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा देश इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन करेगा। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग्स दैट इज आईपीएल 2020। हमारे ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2020 टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है और यह 10 नवंबर 2020 को समाप्त होगा। कोविड-19 महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सभी टीमों के लिए कोविड-19 विकल्प की अनुमति दी जाएगी। आईपीएल संचालन करने के लिए निर्णय 2 अगस्त को आयोजित आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया था। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होगा और 53 डेज की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसका समापन समारोह 10 नवंबर को होगा। फाइनल के लिए पहले की तारीख 8 नवंबर तय की गई थी। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जारी की है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नीतीश कुमार हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल सियासत में सदस्यता, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? हमारे ऑप्शंस हैं राहुल बजाज, राकेश शर्मा, विनय कुमार सिंह, विजय कुमार चौधरी। हमारा आंसर है विजय कुमार चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखकों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मलेशिया के कुआलालंपुर में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप किस देश से वापस ली गई है? विच कंट्री हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द वुमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप शेड्यूल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया? हमारे ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड। हमारा आंसर है भारत। भारत ने 15 से 20 दिसंबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से वापस ले लिया है, अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता की कमी के कारण। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SRFI ने चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम शुरू किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 प्रोग्राम? हमारे ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 6वीं से 11वीं के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला सवाल, कौन सी संस्था
उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक आभासी संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। Which organization is planning to set up a virtual museum of the securities market to highest achievements? हमारे ऑप्शंस हैं नबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, NHAI। हमारा आंसर है सेबी। भारतीय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी भारतीय राजधानी में उपलब्धियों और मील के पत्थरों को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक आभासी संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। सेबी ने आभासी संग्रहालय विकसित करने के लिए एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI आमंत्रित किया है। अगला सवाल, किस कंपनी ने भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है? विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द भारत एयर फाइबर सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस है BSNL, MTNL, RIL, एयरटेल। हमारा आंसर है BSNL। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और IT भारत सरकार श्री संजय धोत्रे ने किया है। सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। अगला सवाल, विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस देश से हैं? वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, सर्बिया, स्पेन, जर्मनी। हमारा आंसर है जर्मनी। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम का हिस्सा थे। वह उन 3 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने टूर्नामेंट में टीम के लिए हर मिनट खेला था। अगला सवाल, गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना? हमारे ऑप्शंस हैं डेविड आर्थर, इदरिश अली, मोहम्मद इरफान अली, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मोहम्मद इरफान अली। पूर्व गुयानी आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। वह विपक्षी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि PPP के सदस्य हैं। वह डेविड आर्थर ग्रेजर का सफल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने शशिधर जगदीशन को अपना नया CEO नियुक्त किया है? विच बैंक हैज अपॉइंटेड शशिधर जगदीशन एज इट्स न्यू CEO? हमारे ऑप्शंस हैं ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है HDFC बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। 1996 से HDFC बैंक के साथ काम कर रहे शशिधर जगदीशन परिवर्तन एजेंट के रूप में आदित्य पुरी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को याद करने के लिए कौन सा देश एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? विच कंट्री इज कंसिडरिंग मिंटिंग
अ कॉइन टू रिमेंबर महात्मा गांधी। हमारे ऑप्शंस है ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट। हमारा आंसर है ब्रिटेन, बी ए एम ई, बेम, यानी कि ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक समुदाय के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बेम समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी यानी कि RMAC को एक पत्र जारी किया। RMAC आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांधी जी को याद करने के लिए एक सिक्का लाएगा। हाल ही में पिछले दिनों अमेरिका में मिनियापोलिस के एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश संस्थानों ने हाल ही के विरोध के कारण इतिहास, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के वैश्विक पूर्ण मूल्यांकन के हिस्से के रूप में अपने अतीत की फिर से जांच शुरू कर दी है। तब से कई संगठनों ने अश्वेत एशिया और अल्पसंख्यक जातीय यानी कि बेम समुदाय की मदद करने और नस्लीय विविधता का समर्थन करने के लिए निवेश करने की पहल की है। हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद नस्लवाद, उपनिवेशवाद और पुलिस क्रूरता के खिलाफ कई वैश्विक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। RMAC का पूर्ण स्वरूप रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी है। RMAC एक पूरी तरह से स्वतंत्र समिति है जो देश भर से चुने गए विशेषज्ञों के समूह से बनी है। उनका मुख्य काम ब्रिटेन के वित्त मंत्री को सिक्कों के लिए थीम और डिजाइन की सिफारिश करना है। अगला क्वेश्चन, हेलिक्सन के साथ सहयोग में IIT मद्रास ने स्वास्थ्य स्टार्टअप में कौन सा उपकरण विकसित किया है? हेल्थ स्टार्टअप एट IIT मद्रास इन जॉइंट कोलैबोरेशन विथ हेलिक्सन हैज डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड, हमारे ऑप्शंस है ऑक्सी, हायन, ऑक्सी 2, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑक्सी 2। हेलिक्सन के साथ संयुक्त सहयोग में IIT मद्रास के एक स्वास्थ्य स्टार्टअप ने ऑक्सी 2 नामक एक उपकरण विकसित किया है। यह नया डिज़ाइन किया गया उपकरण आसानी से हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन संतृप्ति और श्वसन दर को सटीक रूप से माप सकता है। उपकरण अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया गया है और पहले से ही अस्पतालों में एक दिन में 2000 रोगियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। वर्तमान मानकों के संदर्भ में सटीकता और पारदर्शन के लिए चेन्नई स्थित चिकित्सा संस्थानों में एक वर्षीय बहुकेंद्रित अध्ययन करने के बाद ऑक्सी 2 की कोर प्रौद्योगिकी को मान्य किया गया था। सफल परीक्षण के बाद यह डिवाइस चिकित्सा संस्थानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया है? विच फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस हैं तेंती वनिता, कुरुसला कन्नाबू, पी मानिकला राव, वेलमपल्ली श्रीनिवास राव। हमारा आंसर है पी मानिकला राव। पूर्व आंध्र क्षेत्र मंत्री पीडिकोंडला मानिकला राव का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उनका जन्म 1 नवंबर 1961 को हुआ था। वह एक वरिष्ठ भाजपा नेता थे। आज का आखिरी सवाल, खादीज गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड द खादीज गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा आंसर है नितिन गडकरी। केंद्रीय सूक्ष्म
लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सिल्क मास्क का खादी उपहार बॉक्स लॉन्च किया है। गिफ्ट बॉक्स खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC द्वारा विकसित किया गया है। KVIC विकसित उपहार बॉक्स से में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में 4 दस्तकारी रेशम मास्क शामिल है। यह ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, पुनर्प्रयोज्य होने के साथ साथ जैव अवक्रमित हैं। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी को गिफ्ट करने के लिए उचित मूल्य की वस्तुओं की तलाश के लिए लॉन्च किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। तो आज का पिटारा यही बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।